हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल इस एपिसोड का नाम है डियर रोज़ा। देखते क्यों है, पता लग जाएगा। तो चलिए ट्रेवर जी, यहाँ से निकलिए। फिलहाल सुबह वाले एपिसोड में जो एंड हुआ था आपको याद ही होगा, मैंने कुछ बंदे मार थे कसीनों पर एंड बहुत सारे और भी काम हुए थे। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया उसको देख लीजिए, क्योंकि प्रेडेटर भैया की अगर टूट गई फाइनली। बहुत ज़्यादा उछल रहा था, इतना उछल रहा था कि अपनी लुंगी से उड़ उड़ के जा रहा था। लुंगी अलग उड़ रही थी, गगन अलग उड़ रहा था, मतलब कि प्रेडेटर अलग उड़ रहा था। अब भाई लुंगी में रहना चाहिए ना आदमी को, नहीं तो गलत हो जाता है। बट भाई डेथ लोड आया, उसको लुंगी में रहना सिखा दिया। बड़ा खुशी मिली मुझे, तो इतनी खुशी मिली क्या ही बोलूं। बहुत उछल रहा था ना पूरा, तो बहुत चीज़ हुई सुबह के एपिसोड में। तो अभी देखते हैं डियर रोज़ा क्या चक्कर है, वो देख लेंगे। तो मेरे प्यारे ड्राइवर भैया घर पर आ जाइए, थोड़ी चाय पी लीजिए। हेलो आंटी, क्या हाल चाल है? चलिए चलिए चलिए, आगे निकलिए आगे निकलिए आगे निकलिए। हेलो जी आंटी जी, खाना वाना बना लो ड्राइवर के लिए, भूख लगी है किचन में। ओके लो ये भाई, पे देखो ये मेरा स्टाफ रुकता नहीं मेरे लिए कभी भी। मैं पहले ही खा लेते हो खुद ही, तुम बेटा अलग ही मजे लेते हो। चल ठीक है ड्राइवर, यहाँ से केक उठा ले छोटा सा, मैं तो यहीं से मफिन उठा लेता हूँ, उसको खा लेता हूँ। ड्राइवर तो छोटा मोटा ही खाएगा। डेविड का फोन आया, मैं रिपोर्ट्स के बारे में कुछ उसने बताना है। पहले बताया था बट अगर उससे थोड़ी डीप रिसर्च करी मैं डीएनए को लेके, तो बोल रहा है ड्राइवर आओ तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बतानी है। मैंने बोला क्या हो गया भाई, मैं क्लोज होगा सच्ची भाई, तो देखते हैं। क्योंकि टकनों ने बहुत टाइम पहले बोला था अपना जो ड्राइवर है ये असली ड्राइवर नहीं है एंड वगैरह बहुत सारी चीज़ उसने बोली थी। मुझे लगता है जलता था मुझसे, वो कहता है मुझसे जलता है तो मजनू, इसलिए मेरे को फेक इन्फॉर्मेशन दे गया था। बाकी देखना है, वो तो देखने में ही पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। ड्राइवर भैया इसको कहते हैं हाईवे एंड इसके ऊपर बिल्कुल बच जाइएगा, आगे से निकलिए। तो कह रहे सामने पड़ेगा तो अपने प्यारे डेविड का, तो डेविड देखते हैं अब क्या उसने पता लगा क्या नहीं। बस आज कुछ अच्छी रिपोर्ट देते। रिपोर्ट सारी चेक करके मुझे मेरे प्यारे लाल ने बता दी है। बढ़िया, फायर का फोन आया, उससे मिलने के लिए जाना है। डेविड मेरे लाल आता हूँ मैं थोड़ी देर में तुझसे मिलने के लिए। इसने बोला ट्रैवल मैंने पूरी डीप रिसर्च करी थी डीएनए को लेके, कुछ भी फेक नहीं है, बिल्कुल सही मैचिंग है, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान की जैसे होती है, बिल्कुल सेम है, कोई क्लोनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो ठीक है, मतलब जैसे कोई भाई मशीन में क्लोन कर देता है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे डगन बना रहा आजकल ऐसा ड्राइवर नहीं है, हमारा ड्राइवर एक लौता है, सिंगल ही पीस है, बढ़िया बात है। ड्राइवर भैया कैसे हो, क्या हाल चाल है? उधर देख लेंगे। तो निकलते हैं यहाँ से, फायर से मिलते हैं। फायर आपको पता है सुबह के एपिसोड में उसको एक गम मिल गया था, कहना हमें एक गम मिल गया, अब क्या कर सकते हैं। तो फायर को जा करके संभालते हैं, सहारा देते हैं। इतना ज़्यादा दुख तो उसने कभी अपने भाई के मरने का भी नहीं मनाया था जितना दुख इसका मरने का मना रहा है। ड्राइवर भैया निकल, फायर से आकर के मैं मिल लिया हूँ। फायर भैया ने बोला ड्राइवर तुम्हें इजाबेल बुला रही है, मैं पहले लॉस एंजेलिस गया था किसी काम से, बोल रहे हैं कि ड्राइवर को भेज देना, ड्राइवर को बहुत ज़रूरी बात बतानी है रोज़ा के लिए। चलिए भाई तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाई ज़रा, तो ठीक है तो कुछ बता रही है। ड्राइवर तो यही सोच रहा है कि शायद से रोज़ा खतरे में थी, उसको कोई मारना चाह रहा था इसलिए बहुत ज़रूरी बुलाया इजाबेल ने। तो ड्राइवर जाएगा, चलिए निकलते हैं, क्या होता फिर उसी की वजह से हमें पता लग जाए डियर रोज़ा क्या है वगैरह वगैरह। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे ड्राइवर, जरा आगे निकलो, देखते हैं रोज़ा के बारे में कुछ पता लगेगा ड्राइवर को। नहीं क्या पता कुछ ऐसा ना हो कि रोज़ा की सच्चाई पता लग जाए ड्राइवर को, नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, काम बहुत बुरा हो जाएगा नहीं तो। क्योंकि रोज़ा नहीं चाहती ड्राइवर उसके बारे में बिल्कुल भी जाने, अगर ये जान गए तो कुछ बुरा हो सकता है ना, क्योंकि नहीं तो खुद ही बताया थी, वो बेवकूफ़ तो नहीं है। डेविड से बातें कर ली आकर के, पोर्टल दो मिनट में शुरू करेगा एंड फाइनली ये हम लोगों को पहला लॉस एंजेलिस दोबारा पहुँचाएगा आरी बेस पर ही। देखते हैं क्या बोलेगी इजाबेल, बस कुछ अच्छा ही बोले, कुछ ऐसा ना बोले कि दिमाग घूम, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कुछ भी काम खराब हो जाए रोज़ा को लेकर के। ड्राइवर भैया आराम से, बहुत बढ़िया, अभी काम खराब नहीं होने तो हो जाता, बहुत बुरी तरीके से सर लग जाता भाई। यहाँ पे शूज ऑफ कर लेते हैं, मैंने ध्यान दे दी और जंप लगा दी। पैरेलल लॉस एंजेलिस जाना थोड़ा डिले करना पड़ गया भाई एकदम से, क्योंकि एकदम एमरजेंसी फ़ोन आया मेरे पास में कुछ बंदों का, बोला गया कि इनको मारना बहुत ज़रूरी है ड्राइवर सर। तो मैंने बोला मेरी आर्मी को भेज दो, तो भाई आर्मी है नहीं लॉस एंजेलिस में, इतने सारे बंदे मेरे मर गए हैं कि फिलहाल बिजी है बंदे एंड फायर तो आपको पता ही वैसे ही बिजी है, तो एक काम मुझे खुद ही करना है। तो मैंने एक घंटा और डीले करा डेविड को, बोला डेविड भाई एक घंटा वेट कर, मैं कुछ बंदे मार के आ रहा हूँ, पानी के नीचे एक बेस है वहीं पर जा रहा हूँ एंड उसके बाद में जाते हैं पहले लॉस एंजेलिस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले लॉस एंजेलिस जाने का ट्रेवल को पूरा दिन लग जाएगा, फिर वापस नहीं आ पाऊँगा। एंड इन बंदों को मारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्यारे लाल बाहर जाएंगे, अलीना को टारगेट कर सकते हैं, माइकल को कर सकते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके ऊपर टारगेट कर सकते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं ख़राब करते, मतलब कि बिल्कुल ऐसा हम रिस्क लेते ही नहीं है। जब यहाँ से जाएंगे तो सेफ करके जाएंगे अपने दोस्तों को, ताकि फिर मैं बेफिक्र होकर वहाँ पे कितने टाइम स्पेंड कर सकूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वोल्ट होना चाहिए था इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, दिख ही नहीं रहा यार। ड्राइवर एक काम कर, आसपास का सारा एरिया चेक कर ले। बंकर में पहुँच गया था एंड बंदे हैं बहुत सारे, वोल्ट ऑपर करते नीचे बंकर है, बहुत बंदे मार भी लिए मैंने,
हम थोड़े सा और मार लेते हैं। मेरे बड़ा आ जा, जल्दी जल्दी आ जा, चल 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 जल्दी। ओके ये ख़त्म, ये भी ख़त्म। भाई सर आगे निकल, सर आगे निकल, सर आगे निकल। मैं कहाँ पे चुप रहा था, मेरे को दिखाई नहीं। ओके पिलर के बीच आ रहा बेटा, पिलर तेरे को नहीं बचा सकते। आगे निकल, आगे निकल ट्रेवर मेरे लाल। आ रहा बेटा, आ रहा हूँ। तुम लोगों के वजह से पैरेलल लॉस स्टेटस का प्लान मेरे को चेंज करना पड़ा, नहीं तो अभी इस वक्त ट्रेवर पैरेलल लॉस स्टेटस में होता, ईजेबल से कुछ बातें पता कर रहा होता। एंड तुम लोग नमूनों के सरदार हो, तुम्हें मतलब क्या इज्जत हजम नहीं होती। मतलब बंदे को कुछ प्राइवेट काम करने जाना होता है वो भी नहीं कर रहे दोगे, मुँह उठा करके कहीं पर भी किसी वक्त आ जाते हो, शर्म तो नहीं आती होगी। ट्रेवर भैया जरा इधर निकलिए, आ जाओ बेटा आ जाओ। हेलो जी कहाँ पर हो? अबे आ जाओ यार, एक तो मरने के लिए आते हो, ऊपर से मर के मतलब खुल के भी नहीं आते, फिर ले बैठे। तो ट्रेवर भैया, ट्रेवर भैया वेर आर यू? हेलो जी चले बेटा और सो जा, बाहर जा बेटा, बाहर जा। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, लगभग सारे बंदे लगता है अब मर गए हैं, तो अपनी फैमिली सेफ है। ओके एक बंदा और भाई, सौर बचा रहा था। एक काम करता हूँ, पहले उसकी जान निकालता हूँ एंड फिर उसके बाद सीधा निकलता हूँ, फटाफट से, लेट नहीं किया जाएगा। इजाबेल से आके बात कर लिए, पहुँच गया डेविड के पास में एंड वहाँ पर फिर मैंने पोर्टल यूज़ किया, उसने मेरे को पहले लॉस स्टेटस भेज दिया एंड उसके बाद में मेरा माउस नीचे गिर गया। अमेजिंग लेवल, उठ जा मेरे लाल, उठ जा फटाफट से। तो ठीक है चलिए जल्दी से अभी निकलते हैं जगह पर, जैसे कि इसने जो जगह बोली है, क्योंकि इसने बोला ड्राइवर जिस रोज़ा को हम रोज़ा समझते हो रोज़ा नहीं है। ये बड़ी अजीब बात होगी ना यार, ड्राइवर को लग गया झटका, वो भी बहुत ज़्यादा वोल्ट का। और ड्राइवर मेरे भाई फटाफट से निकल, क्योंकि जो रोज़ा है वो रोज़ा ही नहीं है यार, ये नहीं पता लगने से ड्राइवर को। अगर ड्राइवर को सारी बातें उसके बारे में पता लगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे को घर पर जाना है मिलने के लिए, ये बोल रहे हैं कि ड्राइवर सर एक लड़की से जा करके मिली है, उसने मेरे को एक बात बोली है। दरअसल उससे पूछताछ इस वजह से करी गई क्योंकि एक लड़की एक केस में पकड़ी गई थी। मतलब रात को पार्टी हो रही थी लॉस स्टेटस में, पूरी सिचुएशन आप समझ लीजिए, लॉस स्टेटस में पार्टी चल रही थी, सारे के सारे बंदे थे नशे वैसे करते रहते हैं, आपको बताइए। तो वहाँ पर पहुँच गई पुलिस, पुलिस जब पहुँच गई तो उसके बाद वहाँ पर पूछताछ होने लग गई सारे सारे बंदों से, क्योंकि भाई पूछताछ करते हैं क्या नाम है, कहाँ पर रहते हो, पेरेंट्स क्या करते हैं वगैरह वगैरह। क्या आपके बच्चे रात तक पार्टी कर रहे हैं और आपको ख्याल ही नहीं है, कम्बल खींच के सो रहे हो, बच्चे यहाँ पर नशा खींच रहे हैं, तो ये काम हो जाता है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, सभी का फ़ोन चेक करने जाने लग गया, तो उनमें से एक लड़की थी जिसके फ़ोन के अंदर रोज़ा का डेटा निकला, रोज़ा। फिर उसके बाद वहाँ पर अपनी प्यारी ये भी थी, अपनी जनरल इजाबेल, उसके पास तक ये फ़ोन गया, वो भी वहीं पर खड़ी थी, तो उसने फ़ोन चेक किया तो देखा रोज़ा की हिस्ट्री निकाली। तो फिर उसने रोज़ा, ज़रूरी कि रोज़ा एक ही रोज़ा होती है लॉस स्टेटस में, उस रोज़ा के पापा की भी हिस्ट्री निकाली। फिर वैसे ही पूछ रहे उसने ये रोज़ा कौन है, तो इसने बोला कि जो यहाँ पर बहुत टाइम पहले लॉस स्टेटस के डॉन थे, ये मेरी फ्रेंड है रोज़ा एंड उसका ही ये नंबर है। तो फिर इजाबेल का दिमाग घूमा क्योंकि नंबर के साथ रोज़ा का फ़ोटो भी था एंड वो रोज़ा दिखने में अलग एंड हमारा रोज़ा अलग। आपको याद है हमारी जो रोज़ा है वो एक डॉन की बेटी थी, उसके पापा के मरने के बाद वो लॉस स्टेटस आई थी, हमें ये मालूम है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इसी के बाद पूछी थी इजाबेल ने उस लड़की से कि क्या सच्ची में उसी डॉन की बेटी है, तो इसकी फ्रेंड ने बोला हाँ ये उसी डॉन की बेटी है। तो उसके बाद में इजाबेल का दिमाग घूमा कि भाई फिर वो रोज़ा कौन है जब ये असली रोज़ा है। तो अब ये हुई बात, ये चलिए फिलहाल फ्रेंड से मिलता हूँ, उसके बाद आगे की बात आपको बताता हूँ मैं। पीछे आकर के मैंने लड़की से बात कर ली है, ये वही लड़की है जो नशे कर रही थी रात को और पकड़ी गई थी, वहाँ पर पुलिस भी थी, आर्मी भी थी, रंगे हाथों बेचारे को, और बहुत बड़ी रेड लगी क्योंकि वो आर्मी हर जगह नहीं जाती रेड मारने के लिए। आर्मी क्यों गई थी वहाँ पर? क्योंकि भाई साहब वहाँ पर किलो में ड्रग्स का काम चल रहा था, बंदे मार भी रहे थे ड्रग्स और बेच भी रहे थे, और जहाँ पर इतना बड़ा काम चलता है तो वहाँ पर तो आर्मी पहुँच ही जाती है। तो फिलहाल इस लड़की से मैंने एक लेटर लिया, तो ये है भाई इस एपिसोड का नाम, डियर रोज़ा। क्यों है नाम? सबसे कमाल की बात पता है क्या है, रोज़ा मर चुकी है, यकीन करोगे आप इस बात पे? इतना लगा बहुत ड्राइवर को सुन करके, रोज़ा मर गई है यार। एंड ये उसकी फ्रेंड है, इसने मेरे को लेटर दिया है, वो ये उसके पास रखा था। दरअसल इसके पापा इस लेटर को कभी रोज़ा तक पहुँचा ही नहीं पाए। अमेजिंग लेवल सिचुएशन पता क्या है, बड़ी अमेजिंग है और थोड़ी इमोशनल भी है। ड्राइवर के मतलब के रोज़ा के जो पापा थे ना, वहाँ वो होते बदमाश थे, तो उन्होंने एक आखिरी लेटर लिखा, वो अपनी लड़की को कभी भी लॉस स्टेटस आने नहीं देते थे क्योंकि यहाँ पर उनके बहुत बदमाश थे, इसलिए उसको बाहर ही रखते थे ताकि वो बाहर पढ़ाई करे और यहाँ से दूर रहे। तो आखिरी लेटर लिखा, उनको लेटर लिखने का शौक था, माफिया के बंदे थे पुराने वाले, कॉल वॉल नहीं करते थे, ज़्यादातर अपनी बेटी को लेटर ही लिखते थे। तो उनकी बेटी का लास्ट लेटर के फ्रंट पर ही लिखा हुआ डियर रोज़ा, ये है पॉइंट भाई। तो डियर रोज़ा वाला लेटर मैंने लिया, दूसरे का लेटर पढ़ना नहीं चाहिए बट मैंने पढ़ा, बातें कुछ नहीं लिख रही, जैसे नॉर्मल पापा बेटी के पीछे बात होती है कि बेटा तुम्हारी बड़ी याद आती है
तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही होने के बाद मैं तुम्हें यहीं पर बुला लूंगा, बट अभी हालात इतने बुरे हैं कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ। बस प्रे करो कि मैं सेफ रहूँ। अगर ये 2-3 महीने मेरी लाइफ के सही बीत गए तो रोज़ा हम जल्दी एक साथ होंगे, नहीं तो उसके बाद में शायद से मैं तुम्हें देखने को ना मिलूँ। बट तुम भरोसा रखना और हौसला रखना, तुम कमज़ोर नहीं हो, वगैरह वगैरह, मेरी बेटी ख्याल रखना। मतलब यही बोला कि मैं मर भी सकता हूँ, नहीं मर सकता, बट अगर मर जाऊँ तो तुम संभल जाना, तुम बहादुर हो, वगैरह वगैरह। तो ये लेटर लिखा था रोज़ा के पापा ने आखिरी रोज़ा को, और दिया था इसको कि जा करके पोस्ट कर दे। ये उस वक्त वहीं पर थी, उसी घर पर, यहीं पर रहती है। तो पॉइंट ये, फिर ये जाने लगी थी इसको पोस्ट करने के लिए, एक दो दिन ये भूल गई करना पोस्ट। उसके बाद में क्या हुआ, वो मर गई। और बस इस चक्कर में ये कभी उसको पोस्ट कर ही नहीं पाई लेटर को। उसके बाद में खबर इनको लगी कि रोज़ा भी मारी गई वहीं पर जहाँ पर वो पढ़ती थी, किसी वजह से पता नहीं चला ना आज तक उसकी बॉडी वगैरह मिली। बट फोटो मैंने रोज़ा का देखा तो रोज़ा ये है ही नहीं जो हमारी रोज़ा है। ट्रैक के पास अपनी रोज़ा का फोटो है, लेक्सी का फोटो दिखाया इसने, तो बोल रही कि नहीं ये तो रोज़ा नहीं है, ये तो बड़ी सुंदर लड़की है, ये कौन है, यही बोला इसे छुटते ही। तो फिर यार रोज़ा अलग है यार। अब ट्रेवर का घूम गया थोड़ा सा दिमाग कि आखिर जो इतने टाइम से ट्रेवर के साथ रोज़ा बन के रह रही है, मेरे को रोज़ा से मिलवाया गया था जब मैं पहले लॉस एंजेलिस में आया था, वो कौन है भाई? गेम फिलहाल स्विच होकर के रोज़ा के ऊपर आ चुका है, ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में। यही वाला गाना याद आ गया, क्योंकि फिलहाल ये तो ट्रेवर शौक में चला गया, क्या हो गया ट्रेवर, अब तक ना तो घायल हुआ ना कुछ हुआ, पहले लॉस एंजेलिस हुई है एंड स्विच हट करके तब भी रोज़ा के ऊपर आ चुका है। अरे बढ़िया, ट्रेवर को तो लगता कुछ ज़्यादा शौक लग गया भैया। अब जब वो लॉस एंजेलिस में आएगा तो रोज़ा से पूछेगा सारी बातें। देखो ट्रेवर समझदार इंसान है, ऐसे नहीं कहा सीधा अटैक कर देगा रोज़ा के ऊपर, पूछेगा इससे सारी बात, देखते हैं क्या एक्सप्लेन करेगी। वैसे ये बहुत शातिर है, वो तो आपको पता ही है, ये इतनी दिमागदार है, इतना इसका तेज दिमाग है, एकदम हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट ये जवाब बना सकती है। वो देख लेंगे, पता नहीं कहाँ जा रही है भाई साहब, इसके ऊपर स्विच उतार, मतलब कि स्विच हुआ है इसके ऊपर तो खेल ही लेते हैं। कहाँ जा रही है रोज़ा जी, कहाँ भटकती रहती हो आजकल पता ही नहीं चलता। कल तुम्हारे चक्कर में, मतलब सुबह वाले एपिसोड में तुम्हारे चक्कर में ट्रेवर फिर ये बली बनने जा रहा था, टगन का तुमने प्लान फेल कर दिया। मैं तो कहता संभल के रहना, मैं तो टगन आएगा तुमसे 4-5 बार पिट करके जाएगा, क्योंकि ये बहुत मारेगा उसको। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा कि टगन से दूर रहना, मैं टगन के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर टगन इसके सामने आए तो तुम मारेगी, तो इसलिए रोज़ा तुम इधर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम जाओ टगन के सामने। मैं तो टगन भैया पीटा पड़ रहेगा इस गटर में, और उसकी बॉडी ढूंढने के लिए हमें सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, पुलिस वाले लगाने पड़ेंगे, फिर मैं टाइम खराब हो। जगह पर पहुँच चुका हूँ, मतलब पहुँच चुकी है, अब क्या कर सकते हैं भाई, लड़की की तरह बोलने की आदत नहीं है ना। तो फिलहाल अगर लड़की की तरह मैं बोलूँ तो कितना अजीब हो जाएगा। मैं जगह पर पहुँच चुकी हूँ और अभी मैं बंदों को मारने वाली हूँ, एंड इनको मारने के बाद में सारे सवाल जवाब करूँगी, कितना अजीब हो जाएगा ना, अमेजिंग लेवल। तो हम लोग अपने हिसाब से ही बोलते हैं एंड बाकी देख लेंगे। तो रोज़ा एक काम कर, फटाफट से बंदे उड़ा दो, एलियन गन बेस्ट है भाई। देखो यहाँ पर ये पावर यूज़ नहीं करने वाली, सीधी सी बात है, ये नहीं चाहती हर जगह पावर यूज़ हो एंड पकड़ी जाए। तो ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे रोज़ा को सेंस हो गया होगा कि ट्रेवर क्या क्या गुल खिलाता फिर रहा है, ये बहुत कनेक्टेड है ट्रेवर से। चलिए बढ़िया, पहले भी थी, नहीं है वो पक्का नहीं है। रोज़ा जी बंदे क्यों मारने आई हो बता तो देती, हमें तो ये भी पता चलता भाई ये कहाँ जाती है, कब क्या करती है, क्यों करती है। वैसे 90% काम तो ड्राइवर के लिए ही करती है, इतना तो पक्का पता है, बाकी 10% काम अपने लिए भी कर लेती होगी। वैसे मैंने देखा नहीं आज तक कभी रोज़ा अपने लिए कुछ काम कर रही है, किसी भी सिनेमेटिक में आज तक रोज़ा का कुछ मोटिव आया नहीं बाहर निकल के, क्यों है वगैरह, क्या करती है, क्यों करती है, सब चीज़ें वो देख लेंगे। तो ठीक है भाई, बंदे सारे सो गए, रोज़ा ना ना, ना बंदे हैं, फटाफट से एक सेकंड चेक कर ले इधर, 2-3 बंदे जो बचे हुए थे उनका भी तैयार नहीं कर दिया फाइनली मैंने। चलिए फटाफट से रोज़ा जी जल्दी से गाड़ी में बैठ के, लेट मत कीजिए क्योंकि और भी बहुत जगहों पर जाना है। सबसे पहले तो मैनी से मिलना है, मेरे को एक बात समझ नहीं आती है, मैनी नाम का आइटम है क्या, अमेजिंग लेवल है, मिल लेते हैं जा करके। तो ठीक है चलिए रोज़ा जल्दी से निकलो, मैनी नाम का बकरा मिलेगा डेजर्ट वाले एरिया पर एंड उसी वाले हैंगर पर वो रहता है, तो वहीं पर जा करके ही उससे बातें करेंगे एंड सारी की सारी चीज़ें। इस मैनी का कुछ चक्कर में तो समझ नहीं आया कि इस मैनी के सबसे पहले क्या है, आखिर क्यों है, तो करता क्या है बंदा, देख लेंगे। रोज़ा मैनी चाचा के पास पहुँच गई है, देखते क्या बात होने वाली है। रोज़ा फटाफट से, अरे मैनी को मारेगी क्या एलियनगन से, ना ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ भाई मैनी चमचू बोल, क्या दिक्कत है? मैनी ने बोला रोज़ा तो पता लग ही गया होगा, पता लग चुका है ट्रेवर को रोज़ा के बारे में, अब क्या बताओगी जब वो आएगा, अब क्या बताएंगे जब वो आएगा, वो तो यही जाने भाई, हमें क्या टेंशन है, देखते हैं क्या बताएगी। तो चलिए ठीक है, रोज़ा को 2-4 जगह पर और जाना है, जब ट्रेवर आएगा तब की तब देख लेंगे। ट्रेवर वैसे जल्दी आने में हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, ट्रेवर नाम का पकड़ा बड़ा शातिर है, जल्दी आएगा और सबसे पहले आते रोज़ा के पास ही आएगा। रोज़ा क्या करके रखा है तुमने, मैं सब जानना चाहता हूँ।
हंसी आने वाली है भाई ट्रेवर के आते तो मुझे, क्योंकि ट्रेवर अब शक में डूब चुका है। रोजा को इन्फॉर्मेशन मिली थी भाई कुछ बंदों की और, बट बंदा बंदा यहाँ पर कोई नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, एक इन्फॉर्मेशन और है एक जगह पर, चल रोजा वहाँ भी चली जाए, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो फिलहाल ये आई है, पकड़ लिया होगा इसने, बहुत समझदार है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। यहाँ पर आई है तो बट कुछ देख रही आई होगी, जो भी नेक्स्ट लोकेशन पर निकलती है। चलिए रोजा आगे चेक करिए, कोई बंदा खेल तो नहीं रहा ना जान बुझ कर किसी भी लोकेशन इसके बाद पहुँचा करके। भाई डगन जान बुझ के ट्राई कर रहा हो कि रोजा को यहाँ वहाँ भेजूँगा एंड इस लड़की को मैं बहुत बुरा मारूँगा, और चालू है वो बंदा कुछ भी कर सकता है। रोजा जगह पर पहुँच चुकी है एंड उतर भी गई है, एंड गारंटी से इसको मतलब क्यों कहते हैं ना, टेंस हो गया है बट इतनी चालू है और इतनी डेरी है, जान बुझ के दिखा रही है कि कौन करना चाह रहा है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप अभी देखोगे, तो फिलहाल क्योंकि मैंने देख लिया एक बार ऊपर करके, बट भाई साहब इसका जाने का नाम नहीं है कुछ भी। तो फिलहाल अमेजिंग लेवल, इस एरिया में बुला करके जानबूझ के रोजा के ऊपर किसी ने मिसाइल डाली, एंड मिसाइल से तो इसका फूफा भी डरता, ये तो तब डरेगी, ये डर रही है वो मिसाइल से, बेवकूफ़ है कोई बंदा, ये डगर इसको मिसाइल से मारना चाहता है क्या, देख रहे हो इसके सर पर डाल रहा है लगभग, इतने दूर से बंदा फट जाता है मिसाइल लगते ही, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेजिंग लेवल, कौन कर रहा है सारा का सारा काम, इसको पता भी हो शायद से, देखो ये बोलती नहीं है, मैंने आज तक कभी रोजा को बात करते ज़्यादा सुना नहीं है, दिमाग में क्या चलता रहता है, जब ये बोलना शुरू करेगी तो तभी बताएगी ड्राइवर को सारी बातें, वो देख लेंगे। एक और मर गया भाई, हेलो जी, अरे रे 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 रे, बड़ मर गई भाई, बड़ा बुरा हुआ रोजा जी, बड़ मर गई है। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते, ओके यहाँ पर एम्बुलेंस आ गई है, चिड़िया को उठाने के लिए एम्बुलेंस आई है, इंसानों को उठाने के लिए तो नहीं आती, अच्छा इंसान को ही उठा लिया भाई, देखे तो सही कैसे उठाएंगे, ओके यहाँ पर एक बेचारा इंसान ही मर गया, ओहो मिसाइल गिरने पर नुकसान हो गया, देखते क्या करेगा यार, ये कैसे बंदे हैं, जानवर बचाते नहीं लिखना शुरू कर देते हैं। एक बंदा मिला, वो जला हुआ था, उसके कपड़े भी जले हुए थे, उसका नाम पता नहीं लगा, वो दिखने में बाला वाला लग रहा था, उसने ये क्राइम करके रखे हो सकते थे, हमने देख लिया, हम आ गए। अरे क्या है ये भैया, मतलब पोएम लिखने के लिए बोला है तुम लोगों, बताओ छोड़ के भाग गए, अबे आग बुझा दो इसकी, इसको लेके चलो बच सकता है, क्या कर रहे हो यार, कैसे एम्बुलेंस वाले हो भाई तुम, ये लॉजिक एम्बुलेंस को बड़ा गंदा इसने बनाया, ये बिल्कुल सच्ची समझ नहीं आता मुझे, ये जान बचाने आए थे या बस देखने आए थे। रोजा जा रही है एक जगह पर कुछ बंदों को तोड़ने के लिए बड़ी स्पीड से, लगता है इसको सेंस हो गया, कोई फोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, फिर तो सीधा तोड़ने के लिए जा रही है भाई एक स्टेशन पर, मतलब एक जगह पर ट्रेन की, और बहुत सारे बंदे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं, कौन से खेत में डूब गया, अब तक आया नहीं है ना। एक बात मैंने नोट करी है, रोजा के ऊपर जब भी स्विच होता है बंदे ही मारती रहती है ड्राइवर के लिए, इतनी हेल्प करती है ड्राइवर की भाई, इतनी हेल्प करेगी, कैसे काम चलेगा भैया। चलिए ठीक है भाई, ये बंदे भी दी एंड हो चुके हैं, लगता है रोजा के ऊपर कुछ काम करने का बाकी नहीं है, अब इसका अगला प्लान घर पर ही जाने का ही है, साफ साफ इसके फ़ोन में मैसेज आके रखा हुआ है। तो ठीक है रोजा, ये बंदे भी सो गए हैं, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, ट्रेन व्रेन के ऊपर कोई टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है, जल्दी से गाड़ी बैठ निकल यहाँ से। ड्राइवर नाम के बकरे के ऊपर स्विच हो चुका है, एंड बकरा फिलहाल दो स्टैंड अपने अपने वाले, एंड रोजा को फोन भी करते स्विच होते ही, अभी अभी फोन आया तो रोजा के पास फोन चला गया होगा, रोजा भी बंदों को मार करके आ रही थी ना घर पर, अब वो घर पर नहीं जा रही, उसको वहीं रोक दिया ड्राइवर ने, कहते जहाँ कर भी है वहीं पर रहे, मेरे को लोकेशन भेज में आ रहा हूँ उससे मिलने के लिए, देखते क्या झूठ बोलेगी हमारी डियर रोजा, कुछ तो बोलेगी ना बोलेगी तो देख ही जाएगा, वैसे सिंपल ही बोलेगी, मेरे दिमाग में बहुत सब बढ़िया, मेरे दिमाग में भी आइडिया आ रहा है और कुछ इतना मेरा आइडिया सही है, वो वही बोलेगी, क्योंकि यही एक लौता तरीका है इसका बचने का, नहीं तो पकड़ी जा सकती है अपनी बात। ड्राइवर निकल जरा, ड्राइवर ने रोजा से बात कर ली है, बोल रहे ड्राइवर इतनी बेसिक चीज़ तुम क्यों नहीं समझ सकते, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा खतरा था इसलिए मैंने फेक सिचुएशन बनवाई है, ताकि माफिया जो मेरे पीछे पड़ी थी वो समझे कि मैं रोजा हुई नहीं एंड कोई और ही रोजा है, मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को सभी को बोल करके रखा हुआ है, वो लेटर फिलहाल पता नहीं तुम्हारे हाथ कैसे लग गया, वो लेटर बिल्कुल ठीक है, वो मेरे पापा ने मुझे भेजने के लिए दिया होगा शायद से, बट आज तक कभी वो मेरे हाथ लगा नहीं, तो मैंने उसको लेटर दिया, बोल रही है कि हाँ मेरे पापा का ही है, बट ट्रेवर में जो सिचुएशन है तुमने एक नई लड़की देखी रोजा ये वगैरह वगैरह, वो सब मेरा बैकअप है ट्रेवर, वो जो मेरी फ्रेंड उसको मैं सबको समझा के आ चुकी हूँ, कितनी खतरनाक सिचुएशन हो कोई पूछताछ करने आए बोलना कि मैं रोजा नहीं हूँ कोई और ही रोजा है, एंड वो भी मर चुकी है इसलिए, ताकि वो माफिया उसका पीछा छोड़ दे, देख रहे हो भाई। ड्राइवर ने भरोसा कर लिया, ड्राइवर को पता ही था क्यों यहाँ पर आई है, क्योंकि सबको ही पता है, इसने यही बोला था कि इसका पहला लो सेंटेंस कोई मारना चाहता है, इसकी जान खतरे में इसलिए आ गई, तो इसने अपनी जान बचाने के लिए एक फेक रोजा का वहाँ पर इंतजाम किया, अरेंजमेंट किया, एंड अब यहाँ पर ही रह रही है अपनी पहचान बदल के, कोई और रोजा वहाँ पर अब डेटाबेस में, ना कि ये देखा जाए तो लॉजिक बहुत तगड़ा मारा भाई इसने, ड्राइवर को भरोसा हो गया तुरंत, यदि सवाल क्यों नहीं होगा भाई, ये काम ड्राइवर भी करता है बहुत बार, अपनी पहचान बदल लो, दोस्तों का नाम बदल लो, ये कर लो वो कर लो,
ताकि सभी को लगे भाई वो कोई और इंसान है, ये कोई और इंसान है, तभी तो फ्री घूम रही है। बहुत तेज दिमाग है ना, भी ये चीज़ मानता ड्राइवर, तो कुछ और बता देती, कुछ ही बोल देती है, बहुत चालू है। चलिए बाकी तो देखी जाएगी, बट इतना बात है कि ड्राइवर कभी ना कभी तो इसके बारे में जान ही लेगा। इतना ही ये बदलने की कोशिश करें बातों को, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ सिचुएशन आएगी जिस दिन ड्राइवर सब कुछ जानेगा इसके बारे में। बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो को सिर्फ नहीं, अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।